आज्ञा पालन करते हुए भी राग द्वेष मिटने में देरी लगेगी। कारण क्या है? भाव कमजोर होता है तो आज्ञा पालन हट से होती है, श्रद्धा कम होती है तो विचार विवेक के द्वारा आज्ञा पालन करता है, तो राग द्वेष मिटा कहां? मन के विरुद्ध होने से द्वेष तो भीतर रहा, जान करके आज्ञा पालन करता है तो मिटने में देरी लगेगी। श्रद्धा हो जाती है तब तो उत्साह हो जाता है आज्ञा पालन के लिए। जैसे भगवान श्री राम वनवास में पधारते हैं, उस समय माता कौशल्या कह रही है कि बेटा तेरे को और तेरे पिताजी ने वनवास दिया है, तो मैं रोकती हूँ तुम्हारे को रहना चाहिए, क्योंकि पिता से माँ का दर्जा बड़ा माना गया। तेरे पिता वनवास में भेजे तो मैं अयोध्या में रखू, तेरा कर्तव्य होता है मेरा हुक्म पालन करना, इस वजह से तेरे को यहाँ रहना चाहिए, वनवास में मत जाओ, परंतु कहीं तुम्हारे को माँ बाप दोनों ने कह दिया हो, दूसरी माँ ने कह दिया हो, तो तुम्हारा जंगल में जाना वनवास में जाना 100 गुना अयोध्या अयोध्या 100 अयोध्या तो कानून सतावध समाना 100 गुना अयोध्या वो अयोध्या। तू पिता से तो मेरा दर्जा ऊंचा, मेरे से दूसरी माँ का दर्जा ऊंचा तेरे लिए, तो मैं अयोध्या एक में रखूं और वो भेजे वनवास, तो वनवास 100 अयोध्या है, मेरे से 100 गुना है ना उसका, तो 100 अयोध्या का समान है। जब माता आज्ञा पालन के लिए निषेध करती है तो पिता ने कहा तो तुम वनवास मत जाओ, उस समय में राम जी कहते हैं कि माँ मेरे हाथ की बात नहीं है, पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं, टाल नहीं सकता, समुद्र में कूद सकता हूँ, हलाल जहर पी सकता हूँ, प्राणों का त्याग दूं, अग्नि में कूद जाऊं, सीता का परित्याग कर सकता हूं, परंतु आज्ञा भंग मेरे से नहीं होती, पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। जिस सीता के देखने से मन शुद्ध हो गया, कितना अखंड अटूट संबंध कैसे छोड़ सकते हैं राम जी? वो कह देते हैं कि छोड़ सकता हूं, पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता, टाल नहीं सकता। ये भाव जहां होता है आज्ञा में, दूसरी क्रिया हो नहीं सकती, तत्काल कल्याण हो जाए, एक आज्ञा से कल्याण हो तत्काल। परंतु विचार पूर्वक भी आज्ञा पालन करे उससे भी लाभ होता है, उससे भी लाभ होता है, परंतु श्रद्धा जितनी अधिक होती है उतना अधिक लाभ होता है। तो राग द्वेष मिट जाएगा ना, फिर राग द्वेष कहां रहे? तो इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न भस्मागत से, तो कम से कम साधक के लिए बात चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति उसको राग और द्वेष को लेकर न हो, राग को लेकर प्रवृत्ति न हो और द्वेष को लेकर निवृत्ति न हो, जरूर ऐसा होना चाहिए। तो ये बात है भाई, साधक के लिए बड़ी भारी आवश्यकता। तो ये चिंतन पहले होता है स्थूल में क्रिया में राग द्वेष, फिर होता है चिंतन में राग द्वेष, चिंतन हो तो अच्छा, चिंतन न हो तो द्वेष होता है, और सूक्ष्म शरीर का भी आग्रह मिट जाता है तब फिर स्थिरता में आग्रह होता है, अटल वृत्ति स्थिर रहती रहे, बनी रहे स्थिर, अखंड वृत्ति बनी रहे, निर्विकल्प वृत्ति बनी रहे, उसमें उसको सुख प्रतीत होता है, शांति प्रतीत होती है, चित्त आकृष्ट होता है, चित्त खींचता है, तो सूक्ष्म शरीर में उसकी विशेष स्थिति है, नहीं कारण में स्थिरता में होता है, जब कारण में चिंतन में होता है तो सूक्ष्म समाधि होती है, समाधि वो कारण शरीर में स्थिति होती है, स्थूल शरीर का भान नहीं होता और संसार का चिंतन नहीं होता, स्थिरता होती है परमात्मा में, नींद आलस्य नहीं होते, नहीं तो वो तमोगुण में चला जाएगा। ऐसी स्थिरता में जब दृढ़ता होती है
तो फिर चिंतन की आसक्ति मिट जाती है, अर्थात स्थूल शरीर की आसक्ति मिट जाती है। अरे मिटाने के लिए क्या करे, क्रिया में आसक्ति रहे तो स्वार्थ का त्याग करके क्रिया करे, और चिंतन में आसक्ति रहे तो चिंतन की आसक्ति का त्याग, आग्रह का त्याग करके और केवल भगवान का चिंतन करे, और स्थिरता में बना रहे और चिंतन का रस ना ले, सुख ना ले। जैसे क्रिया का सुख लेकर स्वार्थ लेता है तो स्थूल आसक्ति नहीं मिटती, ऐसे चिंतन की आसक्ति है रस लेता रहता है तो चिंतन की आसक्ति नहीं मिटती, सुख सुख की आसक्ति नहीं मिटती, उसका रस न लेकर स्थिरता में अखंड रहता है। स्थिरता में समाधि में सुख लेता है, समाधि का रस लेता है, आनंद लेता है, तो फिर कारण शरीर की आसक्ति नहीं मिटती। कारण शरीर में स्थिरता भी रस लेता तो आसक्ति बनी रहेगी, तो स्थिरता तो बनी रहे पर स्थिरता से असंगता लावे। स्थिर का रस लेना है, संग लाना है, उसके साथ दे देना है, तो असंगता है वो कारण शरीर से भी ऊंचे उठाने वाली है। असंगता समाधि से भी असंगता, पदार्थों से, भोगों से, व्यक्तियों से असंगता है ही, चिंतन से भी असंगता और समाधि से भी असंगता। उस समाधि स्थिरता में भी संग नहीं, आग्रह नहीं, परंतु अटलपना स्वतः स्वाभाविक निर्विकल्प वृत्ति, बिना उद्योग के, बिना प्रयत्न के, बिना चेष्टा के, बिना किए स्वतः स्थिरता, उस स्थिरता में अटल स्थित रहे। उसमें अटल स्थित रहने से स्वतः प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह से हम नदी से पार जाना चाहते हैं और हमें नौका मिल जाए, तो नौका भी कैसी मिली, नौका मिली बर्फ की, और नदी करना है पार, तो बर्फ की नौका में अगर वहीं बैठे रहेंगे तो वहीं गल जाएंगे, डूब जाएंगे। जिस धातु की नदी उसी धातु की नौका, उस नौका से पार करें तो जल जल को तो पार कर दें, जल को पार करके और किनारे तक पहुंच जाएं, वहां पहुंचने पर भी नौका भी छोड़ दें, पृथ्वी पर चले जाएं, नौका ही पानी हो गया। ऐसे संसार समुद्र है, इसे तरने के लिए बढ़िया से बढ़िया हमारे पास है बुद्धि, मैपन और अपनी बुद्धि, उस मैपन के उद्देश्य न रख करके बुद्धि के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण सर्व शरीरों को बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हटावे, और उस बुद्धि है उसको कैसे हटावे, उसमें अटल स्थित हो जाए, किनारे जाकर अटल स्थित हो जाए। अटल स्थित होने से बुद्धि आप साफ गल जाएगी, जैसे बर्फ की नौका गले जू, उसे फिर प्रयत्न नहीं है। पहले तो प्रयत्न है, स्थूल शरीर से पार पाने के लिए प्रयत्न, सूक्ष्म शरीर से पार पाने के लिए प्रयत्न, और उन प्रयत्नों के बीच में राग न हो, आसक्ति अटकाव न हो, खिंचाव न हो, और प्रयत्न हो, और कारण शरीर में अटल स्थित होना वहां प्रयत्न नहीं, अप्रयत्न हो जाना है।